PIC से एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन की चोरी का इंकशाफ। महकमा प्राइमरी हेल्थ की ड्रग टीम ने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन की चोरी पकड़ ली। इस हवाले से जान लेते हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिर चौधरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दिल के मरीजों की एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला कंट्रास्ट इंजेक्शन बड़े पैमाने पर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जो ड्रग टीम है उसकी जानिब से PIC से जो चोरी करके लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त किए जा रहे थे कंट्रास्ट इंजेक्शन, उनकी खेप जो है वो पकड़ी गई है। और ड्रग टीम की जानिब से जो PIC का एक मुलाजम है अली नामी, जिससे जो है वो ये कंट्रास्ट इंजेक्शन बरामद हुए, और जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ है इब्तदाई तफ्तीश में कि ये तमाम जो इंजेक्शन हैं जो कि 5 से 7 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन है, और प्राइवेट अस्पतालों में जो काम करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे इन चोरी शुदा इंजेक्शन्स को, और उसके जरिए जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में एंजियोग्राफीज एंजियोप्लास्टीज जो हैं वो की जा रही थी, CT स्कैन जो हैं वो किए जा रहे थे, CT NGOs जो हैं वो की जा रही थी, और ये महंगे दामों ये इंजेक्शन जो है वो फरोख्त हो रहे थे। ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।